हेलो, इस वीडियो में हम इंसर्ट टैब के न्यू स्लाइड और टेबल ग्रुप के बारे में जानेंगे। तो पहले सबसे पहले हम यहाँ पे न्यू स्लाइड पे जाएंगे। तो न्यू स्लाइड में यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक करेंगे। मोर बटन पे क्लिक करने के बाद यह हमारे पास इसका लेआउट आ जाएगा। अब कौन सा लेआउट हमने यूज़ करना है वहाँ पे हमने क्लिक करना है। सपोज़ करो हम यहाँ पे ब्लैंक लेआउट लेते हैं, ये तो ये ब्लैंक लेआउट यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। सेकंड स्लाइड ये बन के आ जाएगी। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे टेबल को समझना है कि टेबल कितने प्रकार से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल के मोर बटन पे क्लिक करेंगे। तो टेबल के मोर बटन पे क्लिक करने के बाद एक पहला स्टाइल हमारे ये आ जाएगा। ये देखो इंसर्ट टेबल, ये पहला स्टाइल है। अब क्या करना है, हम यहाँ पे बॉक्स में ये अपना पॉइंटर ले जाएंगे और आगे जितने कॉलम चाहिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ये देखो जैसे हमें यहाँ पे फोर कॉलम चाहिए, तो ये फोर बॉक्स हमने सेलेक्ट किए। अब रो कितनी चाहिए वो हम नीचे ले आएंगे। ये जैसे हमारे पास रो आनी चाहिए यहाँ पे, ये हमारी रो होगी फोर, और फाइव चाहिए तो ये फाइव हमने बॉक्स सेलेक्ट कर लिए। तो इससे क्या होगा, हमारी फोर कॉलम्स और फाइव रोज़ बन के आ जाएंगी। ये क्लिक किया यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये हमारे फोर कॉलम है और फाइव रो बन के आ जाएंगी। तो इस प्रकार ये इस मेथड के ज़रिए हम टेबल को बना सकते हैं अपनी स्लाइड में। स्लाइड में बनाने के बाद ये टेबल इस तरह से बन के आ जाएगा। अब ये जो है ये कलर में आई हुई है पूरी, ये फर्स्ट रो, तो इसको बोला जाता है हेडर रो। अगर ये हमने इसी कलर में जैसे ये आई हुई है नीचे इसी में रखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे हेडर रो, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये चली जाएगी। ये देखो ये क्लिक किया, ये यहाँ से कलर चला जाएगा और इसमें आ जाएगा पूरा ये। इसके बाद अगर इसको हेडर रो को हम ये कलर में रखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेडर रो ये क्लिक करेंगे, ये इसमें आ जाएगा। इसके बाद ये नीचे टोटल रो पे क्लिक किया, ये नीचे का हो जाएगा। इसको बंद करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे ब्रांडेड रो, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये चला जाएगा। अगर ये फिर से कलर जैसे पहले थे वैसे लाने हैं, तो फिर से हमने इसको क्या करना है, चेक करना है, ये फिर से आ जाएगा। ये देखो ये फिर से ये कलर में इस कलर में आ जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे अगर फर्स्ट कॉलम ये चाहिए हमें, ये हमारा पहला कॉलम है, ये इस कलर में चाहिए तो ये इस कलर में आ जाएगा। अगर ये इस कलर में नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको अनचेक कर देंगे। यहाँ से फर्स्ट कॉलम इसको अनचेक करेंगे तो यहाँ से ये कलर चला जाएगा। अगर लास्ट कॉलम ये वाला कॉलम कलर में चाहिए इस कलर में, तो हम क्या करेंगे, लास्ट कॉलम ये देखो लास्ट कॉलम ये इस कलर में आ जाएगा। इसके बाद इसको बंद किया, इसके बाद ब्रांडेड कॉलम्स यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखो सभी हो जाएंगे ये। इसके बाद यहाँ पे बंद किया, ये सभी चले जाएंगे। तो इस प्रकार हम ये टेबल की यहाँ पे अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं, कलर की कौन चाहिए कौन नहीं चाहिए कहाँ पे चाहिए। तो इसके बाद अगर ये हमने टेबल स्टाइल चेंज करने हैं, तो ये हमारे पास ये स्टाइल है, अलग अलग स्टाइल है, जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे वही स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे ये देखो यहाँ पे ले आए तो इसमें ये चेंज हो गया स्टाइल, इसमें ले आएंगे इसमें चेंज हो जाएगा, अगले पे क्लिक किया अगले पे चेंज हो जाएगा। तो ये सभी स्टाइल यहाँ पे दिए गए हैं। अगर और भी यहाँ से स्टाइल चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये देखो बहुत से यहाँ से स्टाइल बन के आ जाएंगे। तो जिस स्टाइल में हमें ये टेबल चाहिए वो स्टाइल हमने यहाँ पे चूज़ करना है। तो यहाँ से कोई भी ऑप्शन हम ले सकते हैं, ये कौन सा ऑप्शन लेना है ये हमारी चॉइस पे डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा ऑप्शन चाहिए। जैसे सपोज़ करो मैंने यहाँ पे ये
सेलेक्ट किया तो इसमें बन के आ जाएगा। ये देखो, ये स्टाइल मैंने चूज़ किया तो इसमें ये टेबल बन के आ जाएगा। इसके बाद है शेडिंग। शेडिंग पे क्लिक किया तो अगर हमें ये किसी भी कलर में चाहिए, जैसे कोई भी यहाँ पे कलर हम सेलेक्ट करेंगे तो उस शेड में ये बन के आ जाएगा। इसके बाद है नो फिल, कोई भी नहीं चाहिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखो ये यहाँ से हट जाएगा, ये किसी भी कलर में नहीं आएगा। मोर फिल कलर, तो ये मोर फिल कलर, यहाँ पे बहुत से कलर आ जाएंगे किसी भी कलर में, जैसे इसमें चाहिए तो ओके किया, ये देखो सभी इसमें आ जाएगा। तो इस प्रकार हम टेबल को शेडिंग दे सकते हैं। इसके बाद आगे है बॉर्डर। अगर बॉर्डर सेट करना है तो हम यहाँ पे कोई भी बॉर्डर सेट कर सकते हैं। अगर नई बॉर्डर चाहिए तो हम यहाँ पे नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, कोई भी बॉर्डर नहीं आएगा। अगर सारे बॉर्डर लगाने हैं, ये जितने सेल है, ये जैसे ये है एक है, इसके बाद ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये जो सेल है, ये जो इसको सेल बोला जाता है, ये जो सेल है इसमें बॉर्डर लगाना है तो हम क्या करेंगे, ऑल बॉर्डर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो जितना भी है ये बॉर्डर में बन जाएगा। ये सेल के लिए ये बॉर्डर लग जाएगा। अगर कोई भी बॉर्डर नहीं चाहिए तो नो बॉर्डर, यहाँ पे कोई भी बॉर्डर नहीं लगेगा। अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखो ऑल बॉर्डर, ये बॉर्डर आ जाएगा सेल के लिए। तो और भी यहाँ पे स्टाइल है, अगर हमें और स्टाइल चाहिए, जैसे नो बॉर्डर, इसके बाद क्या करना है, हम यहाँ पे ये देखो ऑप्शन हमने यहाँ पे लिया आउटसाइड बॉर्डर, ये लगाना है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये टेबल के आउटसाइड में बॉर्डर लग जाएगा। अगर और ऑप्शन लेंगे हम यहाँ पे इनसाइड बॉर्डर, तो ये देखो इनसाइड बॉर्डर, पहले आउटसाइड बॉर्डर लगाया था, अब इनसाइड बॉर्डर यहाँ पे लग जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पे बॉर्डर भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद इफ़ेक्ट्स, तो यहाँ पे अलग अलग इफ़ेक्ट्स आएंगे, जैसे यहाँ पे बेवल वाला, ये इफ़ेक्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। अगर हम अपने टेबल को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो हम ये यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, जैसे किस में चाहिए, तो जो भी स्टाइल हमें यहाँ पे पसंद आता है हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हमें ये अच्छा लगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये टेबल हमारे पास बन के आ जाएगा। ये बनने के बाद और चाहिए, जैसे शेडो का है ये, तो शेडो में भी यहाँ पे ऑल्टर का है ये जिस भी स्टाइल के ऊपर क्लिक करेंगे उसमें ये चेंज हो जाएगा। ये देखो सभी स्टाइल है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं शेडो का, जैसे ये लिया हमने, तो ये देखो इस टेबल की शेडो यहाँ पे बन के आ जाएगी। तो इस प्रकार हम ये इफ़ेक्ट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये करने के बाद इसको नॉर्मल में रखते हैं, ये हमने इसको नॉर्मल पे रखा। इसके बाद यहाँ पे क्योंकि स्टाइल में आएगा, तो ये सभी इसकी सेटिंग है, जो भी सेटिंग हम यहाँ से करेंगे हमारा टेबल उसमें चेंज हो जाएगा। तो चेंज होने के बाद जैसे आगे है इरेज़र, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से कुछ मिटाना है, जैसे ये मिटाना है, जिसके ऊपर क्लिक करेंगे ये इरेज हो जाएगी। तो इस प्रकार हम इरेज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसको अंडू किया, ये हमारा पहला आ गया स्टाइल जिसके ज़रिए हम ये टेबल बना सकते हैं। इसके बाद दूसरा स्टाइल हमारे पास, अब दूसरे प्रकार से टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। उसके लिए यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे, न्यू स्लाइड पे जाएंगे, यहाँ पे एक और ब्लैंक स्लाइड यहाँ पे हम लेंगे। लेने के बाद अब ये तो हमने पहला स्टाइल सीखा कि टेबल कैसे बनता है, अब दूसरे स्टाइल से टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है उसको करेंगे। तो उसको करने के लिए हम यहाँ पे इस ऑप्शन पे जाएंगे, इंसर्ट टेबल, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा डायलॉग बॉक्स, इसमें दिया गया है नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज। तो हमारे पास यहाँ पे कितने कॉलम हमें चाहिए, जैसे यहाँ पे 5 है, 6 चाहिए,
या फोर चाहिए, यहाँ पे फोर हमने यहाँ पे रखा, नंबर ऑफ कॉलम फोर भरा, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज यहाँ पे जैसे थ्री, ये हमने यहाँ पे भरे। इसके बाद ओके किया तो ये देखो हमारे पास ये फोर कॉलम और थ्री रोज ये टेबल बन के आ जाएगा। तो ये अगला स्टाइल है हमारा टेबल बनाने का, तो इस जरिए भी हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद अगर और स्टाइल से चाहिए तो हम और स्टाइल से भी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे न्यू स्लाइड ली, ये भी हमने यहाँ पे ये कौन सी स्लाइड, जैसे ये सेकंड वाली स्लाइड हमने यहाँ पे चूज़ की। चूज़ करने के बाद यहाँ पे देखो ये आइकन हमारे पास बन के आ जाएंगे। तो अगर हम टेबल यहाँ से बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे इंसर्ट टेबल करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखो यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी यही पूछेगा कि नंबर ऑफ़ कॉलम कितनी चाहिए, नंबर ऑफ़ रोज। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम फाइव चाहिए, नंबर ऑफ़ रोज टू। तो इसके बाद ओके किया तो ये देखो फाइव कॉलम और टू रोज यहाँ पे टेबल बन के आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम टेबल बना सकते हैं। इसके बाद हम नए स्टाइल से टेबल को बनाएंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे न्यू स्लाइड पे जाएंगे, ब्लैंक स्लाइड के ऊपर क्लिक करेंगे, ये ब्लैंक स्लाइड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेबल पे जाएंगे, टेबल पे जाने के बाद ड्रा टेबल यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये ड्रा टेबल हम पेंसिल के ज़रिए करेंगे। ये टेबल यहाँ पर बन जाएगा, ये टेबल बना। इसके बाद यहाँ से पेंसिल ली और लेने के बाद हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे हमें इतने ये हमारी रो आ गई और चाहिए, यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक किया और यहाँ पे ये रो यहाँ पे बन जाएगी। इसके बाद अगर कॉलम चाहिए यहाँ पे, ये कॉलम यहाँ पे कितना चाहिए, जैसे ये हमने कॉलम बनाया, एक और चाहिए, हम यहाँ पे एक और यहाँ पे बनाएंगे। अगर कॉलम चौड़ाई में करना है तो ये देखो ये बढ़ रहा है और यहाँ से हमने यहाँ पे किया, ये देखो कॉलम की जो चौड़ाई है यहाँ से बढ़ जाएगी। इस कॉलम की चाहिए तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे, ये बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार भी हम ये टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब हम अगले मेथड से टेबल को क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पर जाएंगे, फिर से हम यहाँ पर न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ब्लैंक यहाँ पे लेआउट पे क्लिक करेंगे, ये ब्लैंक लेआउट हमारे पास आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम अगले मेथड से टेबल को बनाएंगे। तो अगला मेथड कौन सा है, ये हमारा एक्सेल स्प्रेडशीट, इसके ज़रिए हम टेबल को बनाएंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये एक्सेल स्प्रेडशीट यहाँ पर आ जाएगी। अब ये देखो यहाँ पर इसको बढ़ाएंगे, कितनी चाहिए, जैसे यहाँ पे एट चाहिए तो एट हमने यहाँ पे रखा, और बी तक चाहिए या कितने, यहाँ पे हमने इसको सी ये लिया, ए बी सी इतना और एट यहाँ पे रो आए, तो ये हमने यहाँ पे एक्सर ये सेलेक्ट कर लिए, इतना चाहिए हमें ये टेबल। इसके बाद यहाँ पे सपोज़ करो हम कुछ लिखते हैं, जैसे यहाँ पे नंबरिंग वगैरह करते हैं और उसका यहाँ पे टोटल करते हैं एट रो के ऊपर। तो यहाँ पे नंबरिंग हमने लिखी, जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये सेवन, ये नंबरिंग ली। यहाँ पे लिखेंगे दूसरे में टू, ये हमने यहाँ पे लिखा। अब तीसरे पे हम क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे ये लिखा, ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ये टेबल बनेगा और इसका टोटल अगर हमें इसी टेबल में चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये सारा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमें एट रो के ऊपर इसका टोटल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल लाने के लिए हम यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक करेंगे, ये जो है टोटल आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये एक्सेल में ये टोटल हो गया, इसके बाद हम यहाँ पर ये जो हमारी ब्लैंक ये स्लाइड है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पे टेबल ये बन के आ जाएगा।
तो बनने के बाद हम इसको बड़ा करेंगे। जैसे यहाँ पे रखा इसको और ये बड़ा कर लिया, यहाँ से रखा ये पीछे खींचा इसको और ये नीचे यहाँ पे। अब ये हमारा जितना भी लिखा हुआ है ये कहाँ पे आ रहा है, ये जैसे यहाँ पे जो भी है ये टोटल जो है हमने क्या करना है, बोल्ड करना है और इसका साइज़ जो है बढ़ाना है टोटल का। ये जो 28 आया हुआ है, 14 आया हुआ है, 21 आया हुआ है, तो इसका साइज़ हमने बढ़ाना है और इसको बोल्ड भी करना है। तो हम क्या करेंगे इस ये करने के लिए, और इसको क्या करना है, ये जितने भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको यहाँ पे सेंटर में करना है। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस सेल पे रखने के बाद क्लिक करेंगे डबल क्लिक, और ये फिर यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट यहाँ पे खुल जाएगी। ये सारा सेंटर में हमें करना है, तो हम क्या करेंगे ये सारा सेलेक्ट यहाँ पे करेंगे। सारा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेंटर पे जाएंगे, ये सेंटर में हो जाएगा। इसके बाद ये जो टोटल है इसको हमने क्या करना है, बोल्ड में करना है। बोल्ड में करने के बाद अगर इसको कलर में करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसको कलर में भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस कलर में रखा, और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारी ब्लैंक स्लाइड है यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये देखो ये सेंटर में हो जाएगा। और सेंटर में होने के बाद ये जो टोटल है इस कलर में आ जाएगा और बोल्ड में आ जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पे टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने टेबल के बारे में जाना कि टेबल को पावर पॉइंट में कैसे बनाया जाता है। तो आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।